मैं बलिया से निकल चुका हूँ अपनी मोटरसाइकिल के साथ आज एक और नए राइड पे। तो दोस्तों स्वागत है आप सभी का इस नए मोटो ब्लॉगिंग की सीरीज में। मेरे एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था कि भैया मैं आपके साथ घूमना चाहता हूँ, तो आज मैं उनके साथ घूमने जा रहा हूँ दोस्तों। मैं कॉल कर लेता हूँ रोहित जी को जिन्होंने आज घूमने का रिक्वेस्ट किया है हमसे। कहाँ है? दोस्तों रोहित भाई को मैं रिसीव कर लिया हूँ और हम निकल चुके हैं खनवर की तरफ। क्या हाल चाल है? तो दोस्तों खनवर जाने के लिए हम सबसे आसान रास्ता यहीं से मुड़ेंगे। हम सिलगढ़ रेलवे स्टेशन वाला रास्ता पकड़ेंगे और इस रास्ते से शॉर्टकट मारते हुए चोगड़ा निकल जाएंगे। सामने है सिलगढ़ का रेलवे स्टेशन और हमें मुड़ जाना है बाएं, क्योंकि ये रेलवे स्टेशन वाली क्रॉसिंग से होते हुए निकलेगा रास्ता। आगे से जाकर फिर बाएं और उसके बाद रेलवे क्रॉसिंग, उसके बाद अपनी मंजिल की तरफ। यह है चिलकहर रेलवे स्टेशन की क्रॉसिंग। इधर है चिलकहर का रेलवे स्टेशन। ये भी काफ़ी डेवलप हो चुका था, पहले प्लेटफॉर्म वगैरह कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अब प्लेटफॉर्म भी बन चुका है। चलते हैं आगे और मिलते हैं एक सुहाने से एक नए सफर में और घूमते हैं। देख सकते हैं कितना अच्छा सा टर्न बना हुआ है रोड का। गोल गोल रास्ता है, गाड़ी चलाने में काफी मजा आ रहा है। कई सारे यू टर्न को हमने छोड़ दिया पीछे और इस तरह से काफी अच्छा लग रहा है। ऐसे सांप की तरह सारा रास्ता बना हुआ है। देखिए फिर से और फिर उधर जाने के बाद फिर दिखाई दे रहा है, ऐसे ऐसे ये रास्ता बना हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है भाई। जब अभी हम आ चुके हैं हजौली चट्टी पे, ये कुछ नजारा है यहाँ का। छोटा सा चट्टी है, छोटा सा मार्केट है हजौली का और हम हजौली से आगे बढ़ रहे हैं। एक प्यारा सा घर दिखाई दे रहा है और फिर यहाँ से यू टर्न। देखिए फिर यू टर्न मिला। अगर आप गाड़ी चलाने के शौकीन हैं और गोल गोल नागिन बनने के शौकीन हैं तो आप आ जाइए, असली नाग बन जाएंगे इस रोड पे। गोल 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 यू टर्न। अक्सर लोग रोड पे नागिन बनते हैं और आगे चल के एक्सीडेंट होता है तो एनाकोंडा बन जाते हैं, कि इस रोड पे आएंगे तो आप असली नाग बन जाएंगे गोल गोल घूम के। अभी देखिए फिर सामने है, फिर सामने यू टर्न है। देखिए मैं सीधा गया, ये यू। जबरदस्त हजौली गांव का ये गोल गोल रास्ता हमें काफी अच्छा लग रहा है। से सामने एक यूटर, ये अभी ड्रोन होता तो काफी मजा आता, अभी ड्रोन नहीं लेके आया हूँ। लग रहा है ड्रोन को कैरी करना पड़ेगा साथ में इन अच्छे जगहों को कैप्चर करने के लिए। अभी देखिए फिर से ये, हाँ जबरदस्त। जब बाइक झुकती है ना तो मजा आएगा। फिर सामने देखिए, फिर ऐसे ऐसे, ये काफी जबरदस्त लग रहा है। अभी हम चोगड़ा चट्टी पे आ चुके हैं और चोगड़ा चट्टी को क्रॉस करते हुए आगे बढ़ रहे हैं नगरा की तरफ। अभी हम इंदरपुर पहुंच चुके हैं और आगे बढ़ रहे हैं, हमें पहुंचना है खनवर। हम आ चुके हैं दोस्तों खनवर मोड़ पे।
और ये खनवर मोड़, खनवर की तरफ ये रास्ता जाएगा श्री खाकी बाबा धाम। यहाँ से यू टर्न, और ये पार्किंग के लिए बना हुआ है रास्ता, सब एक्स्ट्रा जो रास्ता है पार्किंग के लिए बना हुआ है। और ये है खाकी बाबा का गेट, श्री खाकी बाबा, और देखिए धाम। और हम साइड से अभी जाएंगे और गाड़ी साइड में खड़ा करेंगे, उधर से सीधा आते हैं पैदल। हाँ जी बोलो। हेलो फ्रेंड्स, अभी हम आ चुके हैं श्री खाकी बाबा धाम में, और यहाँ आने का हमारा कोई प्लानिंग नहीं था। प्लानिंग बनाया रोहित जी ने। यह है रोहित, ये हमारे व्यूअर हैं और हमारे सब्सक्राइबर हैं। इन्होंने कमेंट किया था कि भैया हमें आपके साथ घूमना है, तो हम बोले कि चलिए इनसे कांटेक्ट किए और आ गए घूमने के लिए। कैसा लग रहा है आके? अच्छा लग रहा है। कहाँ से हैं आप, आपका गांव कहाँ है? सिंहाचौर पक्का कोट के पास में। तो सिंहाचौर के पास इनका गाँव है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब किए हैं, किए ना? हाँ। और ये कमेंट किए थे, चलिए आइए इधर आइए, ये कमेंट किए थे कि हमें आपके साथ घूमना है। हम इनसे कांटेक्ट किए और आज आ गए हैं घूमने के लिए। इनका मन था कि बलिया के खनवर और खाकी बाबा में घूमा जाए, तो आइए खाकी बाबा आपको भी घुमाते हैं। दोस्तों, अगर आप भी मेरे साथ घूमना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, मैं आपके कमेंट का ज़रूर रिप्लाई करूँगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट करिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसका अगला पार्ट देखना ना भूलिए, क्योंकि आगे जो दृश्य दिखने वाला है वो एक अद्भुत होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।